मेरठ विकास प्राधिकरण जोन B1 के जोनल अधिकारी अभियंता मैट मिलकर कर रहे हैं खुलकर भ्रष्टाचार और कहना है हम नहीं सुधरेंगे चाहे कुछ भी कर लो। मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियंता व मेट्रो ने भ्रष्टाचार पर इतनी चरम सीमा पर पहुंच गया है कि बस अड्डे के बराबर में एक अवैध निर्माण चल रहा है जिसमें जितना बड़ा प्लाट उतना बड़ा देश बन चुका है पूरा का पूरा। और मेरठ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं को और अधिकारियों को गुमराह करने के लिए कृष्ण गोपाल एडवोकेट ने अपना अपना बोर्ड लगा रखा है। वकील साहब से बात करने के बाद पता चलता है कि उनके मित्र हैं ताकि कोई पत्रकार उन्हें परेशान न करे या मेरठ विकास प्राधिकरण का अधिकारी परेशान न करे। वकील श्री कृष्ण गोपाल जी का इस ग्रुप पट्टी से वैसे तो कुछ लेना देना नहीं है। आपको बता दूं उस निर्माण पर कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ा गया और नाले के पर भी कब्जा किया गया है। और अगर मेरठ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी इसको देखें तो लाखों रुपए की कंपनी आ सकती है लेकिन मेरठ विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी अभियंता टुडे कानों में काला चश्मा पहनकर बैठे हुए। उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी को भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सपने को उखाड़ रहे हैं। उन्होंने एक शासन आदेश दिया था कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन इन्होंने स्कोर कार्ड रखी है। आपको बता दें संज्ञान में अभियंता दिल्ली गाजियाबाद से आते हैं और शाम को 5 बजे पल्ला झाड़ कर चले जाते हैं। 787 मुख्यमंत्री का यह है कि वह शाम को कोई भी वापस नहीं जाएगा लेकिन यह अपनी मर्जी से नोटों की गड्डी लेकर गाजियाबाद नोएडा दिल्ली में छुपाने के लिए ले जाते हैं। मेरठ जिला ब्यूरो बीके गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई गांधी संकल्प यात्रा में राजेंद्र अग्रवाल ने किया भ्रमण पैदल चलकर। मेरठ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई गांधी संकल्प यात्रा के अंतर्गत 15वें दिन दक्षिण विधानसभा के जागृति विहार मंडल में दक्षिण विधायक डॉक्टर सौमेंद्र तोमर जी एवं पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासियों से स्वच्छता जल सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। इस दौरान मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद पैदल भ्रमण कर निकले। उनके साथ अनेकों कार्यकर्ता मौजूद है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मेरठ हापुड़ लोकसभा सांसद को कार्यकर्ताओं और जनता माला बनाकर उनका स्वागत कर रही है। मेरठ से मंडल ब्यूरो सुशील रस्तोगी की रिपोर्ट।